दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का, अभी हम लोग कवर कर रहे थे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो ये प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू का फॉर्मेट था उसका आज हम लोग का जो लेक्चर नंबर था, आज लेक्चर नंबर 12 हम लोग का कवर हो रही है। इससे पहले हम लोग 11 सेशन कवर कर चुके हैं, जिसमें शुरुआत में कुछ हम लोग थ्योरी भी पढ़े थे, उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप लोग इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सभी लोग जरूर देखिएगा, सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेशन है रेगुलर वाले लोग देख सकते हैं और साथ में कैरी वाले लोग देख सकते हैं, दोनों लोग रेगुलर वाले लोग और साथ में आप कैरी वाले अगर हैं, अगर आपका कैरी लगा हुआ है ग्राफिक्स में तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल जो एक H2O स्टडी का पार्ट्स है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसमें किस किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। सो तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द लेंथ ऑफ द ड्रॉइंग इज 50 mm, यानी जो ड्रॉइंग लेंथ है, यानी जो पेपर पे जो ड्रॉइंग हम लोग बनाते हैं ना वो 50 mm है। द स्केल इज गिवेन बाई 1:5, यानी स्केल कहने का मतलब कि आरएफ दिया हुआ है 1:5, फिर बोला गया कि फाइंड द एक्चुअल लेंथ, तो हमसे यहाँ एक्चुअल लेंथ पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो आरएफ बराबर होता क्या है, आरएफ बराबर होता है ड्राइंग लेंथ या लेंथ ऑफ ड्राइंग, या फिर इसको ड्राइंग लेंथ लिख सकते हैं, अपॉन में एक्चुअल लेंथ लिख सकते हैं। तो आरएफ देखिए दिया हुआ कितना, 1/5 बराबर ड्राइंग लेंथ कितना दिया हुआ है, 50 mm, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो 50 mm अपॉन में नीचे हो जाएगा एक्चुअल लेंथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल लेंथ बराबर 25, यानी 250 mm। अब यहाँ से हम लोग देखिए 250 mm तो है नहीं, तो 10 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ बराबर हो जाएगा 25 cm, यानी एक्चुअल लेंथ बराबर ट्रू लेंथ बराबर 25 cm है ऑप्शन में, देखिए है ऑप्शन में 25 cm ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज ए रिड्यूसिंग स्केल, इसमें से देखिए तो कौन सा ऐसा स्केल है जो रिड्यूसिंग स्केल की तरह दिखा रहा है। देखिए इसमें 3:2 है, रियल में होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ होती है ना आरएफ, तो देखिए एक्चुअल लेंथ 2 है और ड्राइंग लेंथ बड़ा है, तो ये तो इनलार्ज स्केल इस्तेमाल किया गया। इसमें देखिएगा ये 3 है एक्चुअल लेंथ और ड्राइंग लेंथ 1 है, यानी ड्राइंग लेंथ देखिएगा यहाँ पे हमसे रिड्यूसिंग स्केल पूछा जा रहा है, तो देखिए तो ये एक्चुअल लेंथ बड़ा है 3 units और जबकि ड्राइंग लेंथ छोटा है, तो इसमें रिड्यूसिंग स्केल का इस्तेमाल किया गया है, यानी साइज को रिड्यूस करके बनाया गया। इसमें तो इनलार्ज स्केल का इस्तेमाल, सॉरी इसमें फुल साइज स्केल का इस्तेमाल है, इसमें भी, इसमें तो इनलार्ज स्केल का इस्तेमाल है फर्स्ट में, इसमें भी देखिएगा कि जो एक्चुअल लेंथ है वो 0.4 है छोटा है और जो ड्राइंग लेंथ है वो 1 है बड़ा है, यानी इसमें भी इनलार्ज स्केल का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें जो रिड्यूसिंग स्केल का जो इस्तेमाल किया गया, या रिड्यूसिंग स्केल जो है वो कौन सा है, 1:3 एक रिड्यूसिंग स्केल हमको शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आके देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द स्केल, यानी देखिए लेंथ ऑफ स्केल कहने का मतलब कि ड्राइंग लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल मींस कि ड्राइंग लेंथ, तो देखिएगा होता क्या है ना, आरएफ बराबर इसके जगह पे ड्राइंग लेंथ के जगह पे हम लोग लेंथ ऑफ स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपॉन में नीचे एक्चुअल लेंथ, या नहीं तो हम लोग जब क्वेश्चंस बनाते थे स्केल बनाते थे तो वहां हम लोगों का मैक्सिमम लेंथ अप टू मेजर ऐसे करके मेंशन किया हुआ रहता था, तो वो जो मैक्सिमम लेंथ अप टू मेजर वही चीज वह क्या था, एक्चुअल लेंथ होती थी। तो यहां से हमसे ड्राइंग लेंथ या फिर लेंथ ऑफ स्केल पूछा जा रहा है, तो एक्चुअल लेंथ इन्हें चला जाएगा, तो आर एफ गुने एक्चुअल लेंथ बराबर डीएल यानी ड्राइंग लेंथ। तो यहां से वही हमसे पूछा जा रहा था लेंथ ऑफ स्केल या फिर ड्राइंग लेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा आरएफ गुने एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ के जगह पे मैक्सिमम लेंथ बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इनटू, देखिएगा ये आरएफ है, मिनिमम लेंथ नहीं, मिनिमम वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम लेंथ टू मेजर अपॉन में आरएफ, नहीं 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 यहाँ इनटू आरएफ होना चाहिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 24, द मैक्सिमम लेंथ इज 50 meters, मैक्सिमम लेंथ कितना 50 meters है, एंड लेंथ ऑफ स्केल इज 10 cm, यानी लेंथ ऑफ स्केल कहने का मतलब कि ड्राइंग लेंथ 10 cm है, बोला जा रहा है फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स, तो आरएफ पूछा जा रहा है,
तो यहाँ से आरएफ बराबर होता क्या है, ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग लेंथ कितना है सो देखिएगा, लेंथ ऑफ स्केल इज 10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ स्केल मीन्स की ड्राइंग लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ यानी मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होता है, तो मैक्सिमम लेंथ इज 50 मीटर, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ डाल देते हैं 50 मीटर, ठीक है। बराबर और आगे चलते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, अपॉन में नीचे 50 गुने मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 डाल दीजिए, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ से आर एफ क्या हो जाएगा, 1/5 पर 1/2 यानी 1/500, ये हो जाएगा आर एफ के बराबर, ठीक है ना। 1/500 हो जाएगा आर एफ के बराबर, यानी 1/500 बोले तो ऑप्शन नंबर डी, तो जिनका जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है एकदम सही है, 24 का डी। आगे देखते हैं 24 के बाद 24, द डायगोनल स्केल इज यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन। डायगोनल स्केल हम लोग कब यूज करते हैं, डायगोनल स्केल यूज करते हैं जब मेरे को तीन गो यूनिट का हो, तीन गो यूनिट मेजरमेंट करना हो, तो द डायगोनल स्केल इज यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन थ्री यूनिट्स, जब थ्री यूनिट्स मेरे को मेजरमेंट करना हो तो हम लोग जनरली डायगोनल स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 3 यूनिट, तो द डायगोनल स्केल इज यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन 3 यूनिट्स, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज द हार्डेस्ट पेंसिल, इसमें से देखिए तो हार्डेस्ट पेंसिल, तो एच हम लोगों का हार्डेस्ट पेंसिल शो करता है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, वैसे वैसे पेंसिल का हार्डनेस बढ़ते जाएगा, तो ये 5H यहाँ पे दिया हुआ है, 6H एगो यहाँ पे दिया हुआ है, तो 6H क्या हो जाएगा, हार्डेस्ट पेंसिल के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि ये जो B होता है ना, B क्या शो करता है, B शो करता है डार्कनेस, यानी सबसे मतलब जैसे जैसे 1B, 2B, 3B आगे बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे डार्कनेस बढ़ेगा पेंसिल का और सॉफ्टनेस कम होगा, इसका 6H हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, ए ड्राफ्टर हेल्प्स इन ड्राइंग, एगो जो ड्राफ्टर होती है ना वो ड्राइंग में जनरली क्या चीज के लिए मदद करता है, तो वो पैरालेल लाइन खींचने के लिए, परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए, तो पैरालेल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए जनरली हम लोग ड्राफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल नहीं होगा, स्मूथ कर्व होगा नहीं, ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। यानी पैरालेल एंड परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए जनरली ड्राफ्टर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 27 के बाद 28 देखिएगा, पैरालेल लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ, यानी पैरालेल लाइन की बात कर रहा है, तो पैरालेल लाइन को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या, हमको क्या चीज का मदद लेना होगा, तो पैरालेल लाइन खींचने के लिए मिनी ड्राफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिनी ड्राफ्टर की मदद से पैरालेल लाइन बना सकते हैं, टी स्क्वायर के भी मदद से पैरालेल लाइन खींच सकते हैं, ध्यान रखिएगा, पेयर ऑफ सेट स्क्वायर के भी मदद से, सेट स्क्वायर यानी अगर आपके पास 30-60 का भी सेट स्क्वायर हो या 45-45 का भी सेट स्क्वायर हो तो आप पैरालेल लाइन खींच सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सबके मदद से हम लोग जनरली पैरालेल लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। नेक्स्ट, स्पेस शुड अपीयर ऑन द टॉप पोजिशन आफ्टर फोल्डिंग द ड्रॉइंग शीट, जब हम लोग ड्रॉइंग शीट को मोड़ते हैं तो सबसे ऊपर में टॉप पे, टॉप पोजिशन पे क्या दिखना चाहिए, तो टॉप पोजिशन में क्या, रिविजन टेबल, आइटम रेफरेंस या टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक दिखना चाहिए टॉप पोजिशन पे, जब भी हम लोग ड्रॉइंग शीट को फोल्ड करेंगे मोड़ेंगे तो ऐसा मोड़ना है कि टॉप पोजिशन पर टाइटल ब्लॉक दिखे, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29 के बाद 30 देखिएगा, द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन, साइड व्यू की बात कर रहा है, तो जब फ्रंट व्यू देखते हैं तो वर्टिकल प्लेन में, टॉप व्यू देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और साइड व्यू जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग का प्रोफाइल प्लेन में देखने को मिलेगा, तो साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन विच प्लेन, ये जनरली हो जाएगा प्रोफाइल प्लेन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और बहुत सारा क्वेश्चंस आप इसमें देख रहे हैं ना कि रिपीटेड क्वेश्चंस है, तो जैसे जैसे मतलब ईयर बाय ईयर का क्वेश्चंस देखिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड आपको देखने को मिल जाएगा। अब इंक्लाइंड प्लेन इन ए व्यूज ड्रॉइंग पेपर,
तो अब पूछा जा रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन इन ए व्यू ड्रॉइंग पेपर, तो ये हो जाएगा वन लाइन एंड टू सरफेसेस इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन इन ए व्यू ड्रॉइंग पेपर, यानी जो इंक्लाइंड प्लेन होता है उसको जब हम लोग ड्रॉइंग पेपर पे व्यू बनाएंगे तो वहां पे एक वो लाइन दिखेगा और दो गो सरफेस दिखेगा। इसको ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, इन ऑर्थोग्राफिक व्यू द हाइट डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन, तो हाइट की बात कर रहा, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में हाइट ऑफ डायमेंशन ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट का हाइट की बात कर रहा, तो फ्रंट एंड टॉप व्यू में दिखेगा हाइट, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू में हाइट दिखेगा, टॉप एंड लेफ्ट साइड में, फ्रंट टॉप एंड साइड व्यू। देखिए यहाँ पे ना आप कंफर्म नहीं बता सकते कि हाइट कने मेजरमेंट होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को रख कैसे रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करता है हाइट, लंबाई, चौड़ाई जो है ना ऑर्थोग्राफिक व्यू में, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को रख कैसे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट तो आपको फ्रंट टॉप साइड व्यू कहीं पे भी आपको मिल सकती है हाइट, ठीक है। आगे, इन ऑर्थोग्राफिक व्यू द लेंथ डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, इन ऑर्थोग्राफिक व्यू में अपनी लेंथ की बात कर रहा, तो इसका भी सेम वही कंडीशन है, इसका भी आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहीं पे भी लेंथ प्राप्त हो सकती है। एक और देखिए, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, ऑर्थोग्राफिक में अपनी ब्रेथ पूछा जा रहा है, तो वो आपको डिपेंड करता है ना कि आप वस्तु का रख कैसे रहे, तो जैसे आप वस्तु का रखिएगा उसी के अनुसार आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देखने को मिलेगी प्लेन में, कभी प्रोफाइल प्लेन में देखने को मिलेगा, कभी वर्टिकल प्लेन में, कभी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो आपका वस्तु रखे कैसे हैं उसके अनुसार कभी फ्रंट में भी देखने को मिल सकता है, टॉप में भी देखने को मिल सकता है, साइड में भी देखने को मिल सकता है विड्थ आपको, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्शन, मतलब इसमें से कौन सा टाइप ऑफ ऐसा सेक्शन है जिसमें वन क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव, जिसमें से एक क्वार्टर वस्तु का हटा दिया जाता है, तो वो जनरली हो जाएगा हाफ सेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्शन, इसमें से फॉलोइंग टाइप ऑफ सेक्शन वन क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रिमूव, यानी ऑब्जेक्ट का एक वो क्वार्टर मेरे को रिमूव करना है, तो एक वो क्वार्टर रिमूव करना है तो उसके लिए हाफ सेक्शन रह गया हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ सेक्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लाइन कंपोज ऑफ क्लोजली एंड इवनली स्पेस शॉर्ट डैश इन अ ड्रॉइंग रिप्रेजेंट, ऐसे इस तरह का रहता है, तो इस तरह का रहेगा, तो इसको जनरली हम लोग हिडन लाइन के नाम से जानते हैं, इस नाम से, यानी स्मॉल स्मॉल डैश देखने को मिल जाएगा तो हिडन लाइन के नाम से जानते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिकमेंड्स द डायमेंशनल वैल्यू फॉर द रेडियस ऑफ एन आर्क शुड बी प्रोसीड्स बाय, तो देखिए कोई भी अगर आर्क है उस आर्क का अगर रेडियस की बात किया जाना तो रेडियस आपको आर से देखने को मिलेगा, और अगर कहीं पे भी रेडियस शो करना तो आर पहले लिखाएगा आर 50 mm, इस तरह से ध्यान रखिएगा, यानी रेडियस पहले आर पहले देखने को मिल जाएगा, और अगर ये डायमीटर शो करना रहता तो डायमीटर के लिए हम लोग फाई का मदद लेते हैं, 5 20 mm, नहीं रेडियस 50 तो फाई 100 डाल देते हैं, 50 × 100 डायमीटर, तो इस तरह से शो करना रहता है इसको। तो अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिकमेंड द डायमेंशंस वैल्यू फॉर द रेडियस, रेडियस की बात करेगा तो आर हो जाएगा। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ आरएफ, तो आरएफ तो दो यूनिट का अनुपात होता है, तो आरएफ क्या हो जाएगा, क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर, नॉन ऑफ द अबव, किसी प्रकार का कोई यूनिट नहीं होता। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रिकमेंड्स द डायमेंशन वैल्यू फॉर डायमीटर, डायमीटर का डायमेंशन वैल्यू पूछ रहा है, ऑफ एन आर्क शुड बी प्रोसीड्स बाय द, तो अभी एगो आर्क का डायमीटर, यानी कोई सर्कल का एक फॉर्मेट होगी, कटिंग होगा, उसका डायमीटर की बात कर रहा है, तो 50 mm फाई, नहीं ये फाई 50 mm, ये सही है, डायमीटर को फाई से दिखाते हैं ना। तो आरएफ इज ऑलवेज, आरएफ की बात कर रहा तो ग्रेटर देन वन भी होता, लेस देन वन भी होता, इक्वल टू होता, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए तो आरएफ का वैल्यू जब ग्रेटर देन वन होगा उस सिचुएशन में वहां पे इन लार्ज स्केल का इस्तेमाल किया जाएगा, इन लार्ज स्केल। आरएफ का जब वैल्यू लेस देन वन होगा तो उस समय उसके लिए रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। आरएफ बराबर वन तो उस समय फुल साइज स्केल, ये सब भी आप याद रखिएगा। तो आरएफ इज ऑलवेज, तो आरएफ सब पॉसिबल है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो बस आज का जो सेशन रहेगी, आज का सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगा। तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चंस था
आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल से आपको डील कर दिए, ठीक है। तो अगर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगी तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, नहीं तो फिर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट या नहीं तो पूरा मिक्सअप मिक्स जो रहेगी पूरा मिक्सअप सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को बन सकता है वो सब पूरा आपको कवर करवाएंगे। आज मिला के 12 सेशन हो गई है, तो 12 सेशन में 12 सेशन हुए ना, आज मिला के 12 सेशन और शुरुआत में 3 सेशन जो आप लोगों का कवर करवाए थे वो था थ्योरी का। तो थ्योरी का 3 सेशन यानी 9 सेशन आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है पीवाईक्यू का, यानी 9 × 18 180 को कवर करवा दिए हैं क्वेश्चंस। और फिर देखते हैं अगर और किसी ईयर का पीवाईक्यू मिल जाए तो हम आप लोगों को डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। यानी 9 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोग नेक्स्ट सेशन में, इसी तरह का सेशंस आपको देखने को मिलेगी और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अभी केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, इसके बाद इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। जैसे सब्जेक्टिव में आपको इसमें थ्योरी लिखने के लिए भी देता है और साथ में बनाने के लिए भी देता है। तो किस तरह से लिखने के लिए दिया जाता है और किस तरह से बनाने के लिए दिया जाता है एक एक करके पूरा हम लोग उसको भी डिटेल से समझेंगे। तो बस आज का जो सेशन, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन कैसा लगा सब लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नया लोग है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।